मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार पुलिस को दुष्कर्म के मामले में संवेदनशील रहने को कहते आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस दुष्कर्म के मामलों को मजाक बना रही है। मामला बैतूल का है, जहां एडिशनल एसपी राम स्नेह मिश्रा को महिलाओं के एक संगठन को एंजॉय करने की समझाइश इतनी महंगी पड़ गई कि उन्हें महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी की कार्यकर्ता दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची थी, लेकिन एडिशनल एसपी ने महिलाओं को कह दिया कि आप इतने चाइल्ड बॉय और हैव अ नाइस डे कहकर उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को समझाया है, जिस पर महिलाएं भड़क गई हैं। मिश्रा को यहाँ पर खरी खोटी महिलाओं ने सुनाई है, जिसके बाद एडिशनल एसपी को महिलाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी है। शिक्षक हम लोगों से कहती है कि कार्रवाई करने में बहुत टाइम लगता है, वो हमें ये जवाब दिए कि आप लोग जा सकते हो घर, हम लोग कर लेंगे काम और आप लोग इंजॉय करिए, यानी हम यहाँ इंजॉय करने आए हैं। तो ये बात हम लोगों को बहुत बुरी लगी कि जब शासन ही हमारा साथ नहीं दे रहा तो कौन हमारा साथ देगा, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, जब प्रशासन ही हमारा साथ नहीं है तो हम किसका साथ अपनाएंगे। उनके द्वारा हमें जवाब मिलता है कि आप अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, साथ में उन्होंने ये बोल दिया हमसे कि चल रहा है, प्रशासन कर रही है, धीरे धीरे कार्यवाही होगी, और साथ में हमें ऑल द बेस्ट और इंजॉय करो बोल के और रवाना कर दिया गया। मतलब सर हम लोग इतने उम्मीदों से सर के पास में आते हैं, पुलिस प्रशासन के पास में आते हैं, तो उनसे हमें संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए और हमें ऐसा लगना चाहिए कि वो हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनके एटीट्यूड से तो ऐसा लगा जैसे उन्हें इस घटना से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उन्होंने ज्ञापन दिया, उस संबंध में उनको बताया कि पुलिस से संबंधित जो विवेचना कार्रवाई है, आरोपी की गिरफ्तारी है, ये समुचित कार्रवाई कर दी गई है और चूंकि समुचित कार्रवाई कर दी गई इसलिए आप जाएं। इस किस रेफरेंस में उन्होंने क्या बात कही है, कुछ महिला जरूर नाराज हो गई है, इस संबंध में एडिशनल एसपी द्वारा जो है वस्तुस्थिति उनको स्पष्ट करा दिया गया है। मेरे ख्याल से कोई यह विशेष विवाद का या ऐसा कोई मुद्दा नहीं है।